नमस्कार, सरकारीटेल.कॉम में आप सभी का स्वागत है। सरकारीटेल.कॉम पिछले दो दशकों से सामाजिक सरोकार से जुड़े विषयों को और सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने का काम करता आ रहा है। आज हम खेल की दुनिया से जुड़े शख्सियत से रूबरू होंगे जिसने न कि देश में पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना नाम रोशन किया है। कहते हैं बचपन की शरारत ही जिंदगी की मजबूत नींव रखती है और यह बात पश्चिम बंगाल की मौमा दास के लिए सही साबित हुई जब उनके पिता ने उन्हें उनकी शरारत से निपटने के लिए टेबल टेनिस खेलना सिखाया तो 1997 से खेलते हुए 1500 पदकों का अंबार लगा दिया। ओलंपिक से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स सहित कई बड़े खेल प्रतियोगिताओं में अपना नाम का लोहा मनवाने के बाद भारत सरकार ने भी उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। देश और दुनिया में अपने खेल और सादगी से लोगों का दिल जीतने वाली मौमा दास को हाल ही में देश का सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। पद्मश्री मौमा दास आज हमारे साथ हैं। आइए करते हैं उनकी जिंदगी के हर अनछुए पहलुओं पर बातचीत। तो मौमा, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मामा। आप 1997 से खेल रही हैं। मैं चाहूंगा आप दर्शकों को इस अद्भुत यात्रा के बारे में लोगों को बताएं। हाँ, एक्चुअली मैंने टेबल टेनिस स्टार्ट किया 93 से। बचपन में मैं बहुत शरारत करती थी और मेरे ठीक घर के ऑपोजिट में ही मेरा क्लब था, तो पापा मम्मी सब बोले इनको क्लब में डाल दो तो इनका वो शरारत करना बंद हो जाएगा। एटलीस्ट 6 घंटा तो वो क्लब में बंद हो गई, तो मुझे तो बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन पेरेंट्स के बाद टाल नहीं सकते तो उन्होंने डाल दिया था। तो मुझे उधर इतना गुस्सा आता था, मुझे रोना आता था। मैं देखती थी, तब तो इतना छोटी थी, जस्ट मुझे बॉल पिकअप करने के लिए बोला था क्योंकि बड़े सब ट्रेनिंग करते थे, मुझे उनको देखना है, फॉलो करना है एंड उनका बॉल पिकअप करना है, यही था मेरा काम। तो बहुत बोरिंग था। तो लेकिन फिर तब उस टाइम मेरा कोच बाहर था, इज इन केरला, तो तब मुझे मेरा अंकल जो था वो भी उधर ही प्रैक्टिस करवाते थे, तो उधर ही उनके साथ थोड़ा ट्रेनिंग शुरू किया। फिर मेरे कोच आके ट्रेनिंग किया, काफी महीने तक ट्रेनिंग किया। देन फर्स्ट जो टूर्नामेंट था मेरा लाइफ का वो बंगाल में होता था, पहले राइटर्स बिल्डिंग करके एक टूर्नामेंट था, उधर फर्स्ट टाइम मैं फाइनल पहुंच गई पहला टूर्नामेंट में, और फाइनल में मैं आई गॉट अ सिल्वर मेडल। तो उधर ही मुझे प्राइज में लाइक मेडल, चॉकलेट्स, देन टेडी बियर, फ्लावर्स और भी काफी सारे गिफ्ट्स मिले। तो तब मेरा दिमाग में चल रहा था, अरे मुझे अच्छा खेल, मतलब खेलने से ये सब मुझे मिलता है, तो यू नो टेडी बियर और चॉकलेट में तो तब ज्यादा वो था, इंटरेस्ट सभी का था क्योंकि बहुत छोटी थी। तो वैसे ही लाइक आई स्टार्ट माई करियर, तो एकदम परफेक्टली मैंने शुरू किया टेबल टेनिस, उससे ही मेरा अभी ग्राफ धीरे धीरे चालू हो गया। मामा, आपने इतनी कम उम्र में टेबल टेनिस खेलना शुरू किया, तो आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली या आपने अपने आप ही इस हुनर को आगे बढ़ाया? जो मेरा कोच है जयंत कुमार कुशलाल, मैं उनके पास ही ट्रेनिंग करती थी बचपन से, तो उन्होंने लाइक पहले बंगाल में एक ही टूर्नामेंट होता था, तो मुझे हर टूर्नामेंट पार्टिसिपेट करना पड़ता था क्योंकि रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट था, तो नेक्स्ट लेवल के लिए लाइक इंडिया में आपको अच्छा खेलना है, नेशनल रैंकिंग्स टूर्नामेंट्स में भाग लेना है, नेशनल चैंपियनशिप में भाग लेना है, तो इसलिए मोस्टली 4 इवेंट्स होता था, कैडेट, सब जूनियर, जूनियर एंड सीनियर, 4 कैटेगरी में होता था, डिफरेंट डिफरेंट एजेस में। तो मुझे चारों में लाइक 3 में तो मैं मोस्टली फाइनल पहुंचती थी, तो वैसे ही मतलब अच्छा खेलना वैसे ही शुरू हो गया था, और जितना टूर्नामेंट्स खेल रही थी उतना एक्सपीरियंस भी हो रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने मुझे लग रहा था कि मैं टेबल टेनिस होके कुछ सोच ही नहीं पा रही थी, ऐसे ही हुआ मुझे मेरा स्टार्टिंग। मामा, आज जो आपने मुकाम हासिल किया है उसमें आपके परिवार का कितना बड़ा योगदान रहा? बहुत, क्योंकि फैमिली सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं होता है। लाइक अभी तो लाइक मेरा 2012 में शादी हुआ, फिर अभी 2019 में बेबी हुआ, उसके बाद भी लाइक मेरे लाइफ में कुछ चेंज नहीं हुआ, लाइक बोथ द फैमिली आर वेरी सपोर्टिव, मतलब उन्होंने, उन लोगों की वजह से आज मैं यहीं पर हूँ। अगर वो लोग सपोर्ट नहीं करते तो मुश्किल, लाइक मेनली शादी के बाद तो बहुत सारे प्लेयर्स है, बहुत सारे अलग अलग गेम्स है, किसी किसी ने गेम्स छोड़ भी दिया क्योंकि दोनों बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट होता है और गेम में बहुत फोकस रहना जरूरी होता है, लेकिन मेरे फैमिली, बोथ द फैमिली आर वेरी सपोर्टिव, बहुत मोटिवेटेड,
फैमिली है हमेशा सपोर्ट करते हैं, तो मुझे बोलते हैं कि तुम देश के लिए जितना मेडल लाओगे उतना अच्छा है, हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं, तो यही बात मुझे बहुत मोटिवेट करता है और अब सपोर्ट भी करता है, तो इसीलिए शायद आज मैं इस मुकाम पे खड़ी हूँ। मामा, आप ऑयल इंडिया परिवार से जुड़े हैं जो कि एक महारत्न कंपनी है और पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत आती है। मैं चाहूंगा आप दर्शकों को बताइए कि आपके इस प्रयास और इस मुकाम को लेकर आपका किस तरीके से समर्थन हुआ या आपको किस तरीके से प्रोत्साहित किया कंपनी। हाँ बहुत अच्छा, क्योंकि 99 में जब मैं सीनियर नेशनल फाइनल खेली थी, उसके पहले भी 97 में मैंने सीनियर नेशनल फाइनल खेली, बहुत छोटी उम्र में मैंने फाइनल खेली, तो उस 99 से 16 जनवरी मेरा जॉइनिंग हुआ था ऑल इंडिया लिमिटेड। मैं आपको बोल सकती हूँ इतना अच्छा कंपनी है, कोई प्रेशर नहीं है, लगता है ये मेरा सेकेंड फैमिली है, ऐसे ही वो लोग मुझे ट्रीट करते हैं, लाइक इतना कुछ भी प्रेशर नहीं है, बोलता है तुम अच्छे से खेलो, किंतु उनको भी पता है कि एक प्लेयर का लाइफ में अप एंड डाउन होता ही है, क्योंकि कभी अच्छे खेलते हैं फिर कभी डाउन हो जाता है, फिर से अच्छे से तैयारी करके फिर से उसको ऊपर लाना होता है, और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी बहुत मिलता है, तो इसलिए ऑफिस बहुत ही सपोर्ट करते हैं। अभी भी मुझे लाइक जब भी अर्जुन अवार्ड मिला, हम लोग का हेड ऑफिस दुलिया जान में है, तो उधर उन्होंने फेलिसिटेट किया, फिर कैलकाटा ऑफिस तो है ही क्योंकि मेरा बेस कैलकाटा में है, और अभी फिर पद्मश्री के बाद ही दिल्ली ऑफिस में उन लोगों ने मुझे फेलिसिटेट किया मेरे ऑफिस में, ये बहुत ही अच्छे बहुत सपोर्टिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कंपनी की तरफ से खेलने जाओ कभी भी हो सकता है मैं हार गए, लेकिन कुछ भी नहीं बोलते लोग, फिर बोलते हैं नेक्स्ट मैच जो तुम खेलोगे अच्छे खेलोगे, तो मैं 99 से कंपनी के होते ही खेल रही हूँ, मतलब इंडिया में तो ऑब्वियसली जब अब्रॉड जाती हूँ इंडिया के हुए खेलती हूँ, बाकी जो डोमेस्टिक में टूर्नामेंट्स होते हैं सब अपनी कंपनी के लिए ही खेलती हूँ, तो मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। मामा, आप एक युवा प्रतीक हैं, युवा पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश है? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अभी का जो जो जनरेशन है बहुत फास्ट है, हम लोगों की तरह इतना स्लो नहीं है, तो मैं इतना बोलूंगी तो जैसे मैंने मेरे पेरेंट्स ने अपने कोच के ऊपर विश्वास करके उनके पास मुझे डाला, तो मैं उनसे लाइक बचपन से उनसे साथ उनके साथ ही ट्रेनिंग करती हूँ, अभी भी उनके पास ही मैं ट्रेनिंग करती हूँ, मेरा 3 कोच है, एक जयंत कुमार कुशीला, फिर एक मेरा मेंटर है देवव्रत चक्रवर्ती, ही इज ऑल्सो फ्रॉम बेंगाल, एंड और एक जो कोच है जो इंटरनेशनली मुझे सपोर्ट करते हैं कैसे खेलना है, स्पेशली 2014 से वो मेरे साथ है, उनका नाम है पीटर एनल, ही इज फ्रॉम जर्मनी, तो ये तीनों कभी भी जैसे लाइक अभी पेंडेमिक चल रहा था तो कैसे एक्सेल शुरू करना है, क्योंकि मेरा बेबी हुआ तो मैं बहुत पुट ऑन किया, तो कैसे स्लोली ग्रेजुअली तुम्हें आना है, हमेशा हर रोज उनके साथ बात होता है, तो वैसे ही दे आर वेरी मच सपोर्टिव, तो उन्होंने बोलते है तो एज एंड वो तुम बिकम ए मदर वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम बहुत चाहते हो मन से तुम फिर इसे स्टार्ट कर सकते हो, ये बहुत ही सपोर्ट करते हैं ये लोग। मामा, आप कम से कम 2 दशक से टेबल टेनिस खेल रहे हैं, कोई ऐसा यादगार पल जो आपको याद हो जो आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? लाइक मेरे लाइफ में यादगार पल बहुत सारे हैं, एक तो जो जैसे पहले जो नेशनल चैंपियन होता है, जैसे मैं बहुत छोटी उम्र में हुई थी सीनियर नेशनल, वो बहुत ही एक्सेप्शनल था, मतलब बहुत सारे सीनियर्स को पीछे छुड़ा के मुझे वो टाइटल जीतना था, एंड थोड़ा टेंशन भी थी क्योंकि उसके पहले जो 2 बार मैंने फाइनल पहुंची थी उसमें मैं रनर अप थी, तो वो यादगार था, फिर 2018 का कॉमनवेल्थ गेम्स, फिर 97 से कंटिन्यूअसली 2018 तक आई रिप्रेजेंट इंडिया लाइक वर्ल्ड चैंपियनशिप कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, तो लाइक ऐसे नहीं लगता है कि मुझे अगर अभी मुझे चांस मिला तो मैं और भी खेलने की कोशिश करूंगी, लाइक अभी मुझे धीरे धीरे मुझे अपने गेम में रिदम में वापस आना है, क्योंकि थोड़ा गैप हो गया मेरा बिकॉज ये पैंडमिक, फिर मेरा बेबी हुआ, तो मुझे कमबैक करना है जल्दी से, मुझे और भी अच्छा खेलना है, क्योंकि ये जो अवार्ड मिलता है ना इसमें और मोटिवेटेड मतलब मोटिवेटेड होती हूँ कि और भी अच्छा करना है मुझे ऐसे ही, और सपोर्ट तो बहुत ही है, एंड आपका ये बोलना चाहती हूँ जो युवा पीढ़ी है अभी उनके लिए ये मैसेज देना चाहती हूँ कि उनको बिलीव करना है जिनके पास वो ट्रेनिंग करते हैं, आज नहीं हो रहा है लेकिन वही अगर कंटिन्यू करेंगे तो जरूर एक ना एक दिन वो होगा, जैसे मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, तो यही मुझे बोलना था कि अगर टेबल टेनिस या किसी और गेम में हो या तो पढ़ाई में हो जो भी चीज करेंगे एकदम मन से फोकस डिटर्मिनेशन होकर करना है उनको।
मामा, हुनर और लगन की बात करें तो उसमें तो कोई कमी है नहीं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सरकार अपनी तरफ से भी प्रयास करती रहती है, खेल मंत्रालय भी है भारत सरकार का, फिर राज्य में भी है। आपका कोई उनके लिए सुझाव हो जिससे खेल के जो प्रेमी हैं या जो खेल में आना चाहते हैं उनके लिए कुछ और रास्ता आसान हो, या कुछ सुविधाओं को लेके या कुछ पॉलिसीज को लेके, अगर आपके मन में कोई विचार हो या सुझाव? देखिए, मैं जब से स्टार्ट किया 97 से, तब तो मतलब हम लोग सिर्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ऐसे चुने चुने 4-5 टूर्नामेंट थे। लेकिन तब धीरे धीरे और भी इंडिया गवर्नमेंट ने इतना सपोर्ट किया, अभी तो हम लोग मोस्टली ज्यादा बाहर ही खेलते हैं, ज्यादा ट्रेनिंग बाहर लेते, इतना सपोर्ट करते फाइनेंशियली, मतलब बहुत ही सपोर्ट करते। आज चाइना में ट्रेनिंग के लिए भेज रहे, कल जर्मनी में ट्रेनिंग के लिए भेज रहे। अगर हम प्रो टूर्स खेलने अब्रॉड जाते हैं तो पहले 1 वीक या तो 10 डेज पहले ही वो लोग भेज देते कि बच्चे लोग उधर जाके ट्रेनिंग करेंगे, उनका जो एटमोसफेयर है उधर थोड़ा एडजस्ट करना है, क्योंकि वेदर का भी थोड़ा बहुत काफी चेंजेस होता है। फिर उनका जो स्ट्रोक, उनका जो टेबल्स होते हैं, स्लाइड्स होते हैं, सब में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि टेबल टेनिस इज अ वेरी क्विक गेम, मतलब फटाफट निकल जाता है अगर पहले पॉइंट से आपने ध्यान नहीं दिया तो। तो गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अभी जो टूर्नामेंट्स होते हैं सब ज्यादातर बाहर ही ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं। लाइक मेन्स के लिए तो वो लोग बाहर रह के ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन लड़की लोग कभी कभी जाते हैं, क्योंकि उनका घर का भी एक माहौल होता है कि इतना दिन बच्ची अकेली बाहर ट्रेनिंग करेंगे, दैट्स अ ओन प्रॉब्लम जैसे। लेकिन गवर्नमेंट बहुत ही सपोर्ट कर रहा है, मतलब पूरा सपोर्ट कर रहा है, और उसके लिए वजह ये है कि अभी मेडल भी देखिए कितना अच्छा आ रहा है टेबल टेनिस में, इतना अच्छा, मतलब ओलंपिक्स छोड़ के बाकी सारे जो जितना अच्छा अंतरराष्ट्रीय गेम्स में सभी में पदक है टेबल टेनिस का। अभी धीरे धीरे ओलंपिक्स में भी अच्छा करेंगे, क्योंकि ओलंपिक्स के लिए भी प्रिपेयर थोड़ा अलग से होना चाहिए। वो लोग अभी जो अभी अभी का जो करंट कोचेस है, जो ऑफिशियल्स है, वो लोग शायद प्लान कर रहे होंगे अभी ओलंपिक में भी देखेंगे टेबल टेनिस से मेडल आएगा। अभी लास्ट ओलंपिक में जो मनिका बत्रा, सुतीर्था मुखर्जी, ये लोग जो पार्टिसिपेट किए वो लोग काफी अच्छे खेले, लाइक सेकेंड राउंड जाना ओलंपिक्स में, वो भी टेबल टेनिस में बहुत बड़ी बात होता है। तो अभी नेक्स्ट लेवल में भी और भी अच्छा करेंगे, और गवर्नमेंट तो है पूरा सपोर्ट कर रहे है। आप इतने सालों से टेबल टेनिस खेल रहे हैं, जो आज के जो प्लेयर्स हैं, कभी वो आपसे कभी कोई सुझाव मांगते हैं या आप उनके खेल को लेके कभी कोई सुझाव उनको देते हैं? हाँ, वो तो क्योंकि मैं काफी सालों से इंडियन टीम में रिप्रेजेंट करती हूँ, तो बहुत सारे टूर्नामेंट में मैं कैप्टन रह चुकी हूँ इंडियन टीम का, तो वो लोग कभी पूछते हैं कि कौन सा मेरा पॉजिटिव है, कौन सा मैं गेम्स में कहाँ रुक गई, कहाँ से मुझे आगे लेना है। और जब मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ तो मैं भी उनसे पूछती हूँ, क्योंकि जब हम टेबल में होते हैं कोई सीनियर जूनियर उतना पता नहीं चलता है, क्योंकि पॉइंट्स जीतना इज मोर इम्पोर्टेंट। तो हम लोग मतलब सभी को अच्छे से हम लोग ट्रेन करते हैं कि इधर प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे मेनली हम लोग ज्यादा सोचते हैं कि टेबल टेनिस में सिंगल्स नेशनल चैंपियन इज अ चैंपियन, बाकी जो इवेंट्स में नहीं होता ऐसे नहीं है, डबल्स भी इम्पोर्टेंट है, मिक्स डबल्स भी इम्पोर्टेंट है, टीम भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चारों इवेंट्स में मेडल नेशनल चैंपियन मतलब सेम नेशनल चैंपियन ही होता है। चारों इवेंट्स में इंटरनेशनल मेडल लाना भी मेडल ही होता है, सिर्फ सिंगल्स में फोकस नहीं करते। तो जब डबल्स खेलते तो मेरा पार्टनर को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं बोलती हूँ ठीक है मैं ये वाला नहीं करती हूँ, दूसरा वाला करती हूँ, ऐसे ही चेंज करते रहते हैं। तो लाइक जब हम लोग मेनली आपको मैं बोलना चाहती हूँ कि जैसे 2018 में जो सिस्टम था ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, जैसे मैं मनिका मेरा डबल्स पार्टनर है, लेकिन मनिका को दो सिंगल्स खेलना है, मुझे और मधुरिका को डबल्स खेलना है, क्योंकि मैं मधुरिका के साथ डबल्स कभी खेला ही नहीं। लेकिन कोच ने इस तरह से उनको फिक्स किया कि हम लोग डबल्स में इतना अच्छा खेले, डबल्स जीता तो मैच आ गए, मनिका ने तो दो निकाल आई और हम लोग का डबल्स भी आ गया साथ में, तो हम लोग इजी जीत गए। तो हर मैच इज इम्पोर्टेंट, तो ऐसे ही होता है टूर्नामेंट। मामा, ये बताइए, कभी हमारे दर्शकों को ये आप बताइए कि कभी कोई ऐसा लम्हा आपको याद हो, कोई ऐसा मैच याद हो कि बड़ा कड़ा मुकाबला था और फिर भी आपने उस पे विजय प्राप्त करी, कोई ऐसा प्लेयर हो जिससे आपको लगता था कि इससे जीतना मुझे मुश्किल है, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी?
हाँ ऐसे तो बहुत सारे मैचेस है, लेकिन सभी जब इंडियन टीम की तरफ से मैं खेलने जाती हूँ, मैं सबसे सीनियर होती थी, मतलब जी लास्ट में मोस्टली, तो वो लोग बोलते हैं कि ये मोहम्मदी एक्सपीरियंस है, तो टेंशन वाला मैच मोहम्मदी खेलेंगे, हम लोग नहीं खेलेंगे। तो नॉर्मली कोचेस भी थोड़ा डिस्कस करके लाइक शी इज एक्सपीरियंस मोस्ट, तो उसको फिफ्थ मैच जो डिसाइडेड मैच आएगा तो वो मैं ही खेलूंगी। तो वैसे डिसाइडेड मैच बहुत टेंशन होता है कि वो मैच जीतने के बाद ही हम जीतेंगे, अगर हार गए तो हार गए। तो वैसे मैं दिखाती नहीं हूँ कि हाँ मैं खेल लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फ्री खेलती हूँ, लेकिन अंदर में तो थोड़ा थोड़ा घबराहट होता ही है, महसूस होता है। लेकिन मैंने मतलब एकदम मैं गॉड से कि ऐसे कभी अभी तक दिन नहीं आया कि फिफ्थ मैच में कभी हारी ही नहीं हूँ, मतलब मैं हर टाइम जीतती हूँ फिफ्थ मैच। तो जब जीतती हूँ, जैसे 2016 में वर्ल्ड चैंपियनशिप, हम लोग पहले सेमीफाइनल टू लव डाउन लव टू डाउन थे स्लोवाकिया के साथ, फिर मनिका ने जीता, शामिनी ने थर्ड मैच जीती, के शामिनी शी इज फ्रॉम तमिलनाडु, फिर मनिका बत्रा ने फोर्थ मैच जीती, देन सब जब मैं फिफ्थ मैच एंटर कर रही हूँ टेबल में, सबका ध्यान मेरी तरफ है, मोहम्मद यू हैव टू विन, जैसे बिफोर मैच दे आर सेइंग के टीममेट्स एंड कोच। तो एक तो प्रेशर होता है, लेकिन मैं उनको दिखाती नहीं हूँ कि मैं एकदम कूल फ्री खेलती हूँ, ऐसे अंदर अंदर बहुत प्रेशर क्रिएट होता है। तो वो मैच जब जीतती हूँ तो सबके चेहरे पे जो हंसी आता है, जो द टीम फाइनल में रीच करता है, तो वो एक अलग कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं, ऐसे मैच जीतने के बाद ना कॉन्फिडेंस और भी ऊपर जाता है। तो नेक्स्ट जो कठिन जो मैच है, तब भी लगता है कि नहीं मैं आराम से जीत जाऊंगी। वैसे बहुत सारे वैसे मैचेस, जैसे सिंगल्स में भी एक नेशनल्स में हुआ था मेरे साथ, 2000 आई गेस 2001 में मैं जीती थी वो सीनियर नेशनल। क्वार्टर फाइनल में मेरे साथ, मेरे से सीनियर एम एस मैथिली, शी इज फ्रॉम तमिलनाडु, मैं उनके साथ 3-1 डाउन 10-7 डाउन, उनको 1 पॉइंट मिलना है, मुझे 3-4 गेम जीता है। तो उधर से मैं जीत के फिर सेमीफाइनल मैंने इजी जीता, फाइनल भी बहुत इजी जीता। तो कभी कभी कोई कोई मैच ऐसे हो जाता है जिसके जीतने के बाद ही नेक्स्ट मैच वेरी इजी हो जाता है, मेंटली बहुत फ्री हो जाती हूँ, ऐसे होता है, काफी तरह हुआ है मेरे साथ ऐसे। मामा, आपका इस कार्यक्रम में आने और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में मैं यही कहूंगा, अगर मेहनत और लगन से अगर आप काम करें तो क्या नहीं हासिल करते हैं। मौमादाद इसकी जिंदा मिसाल है और युवाओं का एक प्रतीक भी है। और युवा के लिए और एक स्पेशल मैसेज भी है, इवन ये मतलब सभी गवर्नमेंट को, अभी तो बहुत सारे जगह पे स्टार्ट भी होगा, हर स्कूल में कॉलेज में जहीं पे भी हो, टेबल टेनिस का जो स्पोर्ट्स वो इंक्लूडेड करना चाहिए। तो थोड़ा पता भी होगा, जैसे क्रिकेट इज वेरी फेमस, फुटबॉल भी फेमस, तो बैडमिंटन अभी पीवी सिंधु है, बहुत सारे प्लेयर्स है, साइना नेहवाल है, तो अगर ये भी टेबल टेनिस धीरे धीरे सभी स्कूल में अगर स्टार्ट हो जाएंगे, तो उनको भी थोड़ा समझ में आएगा कि ये थोड़ा समझने वाली गेम होता है, बॉल इतना क्विक आता है, कैसे खेलना है। तो इससे देखो इसके अगर सभी जगह पे अगर टूर्नामेंट आई मीन स्कूल कॉलेजों में टेबल टेनिस का जो स्पोर्ट्स टाइम होता है उधर अगर रहेंगे तो अच्छा होगा, तो बच्चे और भी जल्दी समझ जाएंगे। मामा, आपका बहुत ही अच्छा सुझाव है। इस कार्यक्रम के अंत में मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आज आपने हमारे साथ काफी बेबाकी से बात करी, काफी सारे पहलुओं पे हमने चर्चा भी करी। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। मैं अमय साठे दिल्ली से साइन ऑफ करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार।